पिपिली उपनिर्वाचन स्थगित पई हाईकोर्ट रे जनस्वार्थ मामला पर सुनानी निर्वाचन कमिशन आयोग ने छंती समय मे 7 रे मामला रो परवर्ती सुनानी धार्य करिले हाईकोर्ट कोविड स्थिति को देखि निर्वाचन स्थगित रखिया पई वरिष्ठ आईजीपी सूर्यकांत पाढी दायर कठले जनस्वार्थ मामला निर्वाचन हेले निर्वाचन सहित जड़ित थिबा शताधिक लोक आक्रांत हेबार संभावना रहिछि से माने स्प्रेडर हेबार आशंका मते रहिथिबारु रहितबा आज कोर्ट को दर्शाई आवेदनकारी भारतीय निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार ए मामलें पक्षभुक्त होती पूर्व समाजसेवी जयदेव जेना ए संक्रांत एक मामला दायर करते तेणु आसंता 7 तारीख में दुईट जाक मामलार एकत्र शुणी हो पाए ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि इमरान खान इमरान निहाती भाव में गोटे बड़ खबर कि जेहेतु हाईको पिपिले उपनिर्वाचन स्थगित पर हाईकोर्ट जनस्वार्थ मामला होता जार शुना हो मे 7 रे परवर्त शुणी हो आज हाईकोर्ट इन स्पष्ट निर्देश कौन देते इमरान देखो निर्मा आप जानते जेहतु आसंता 16 तारीख दिन पिपली उपनिर्वाचन हाई समय धार्य होता है जहां को लेकिन तुम्बी तोफान राज्य राजनीति लगी रही है कि अंपटे गोटे बड़ खबर जेहतु यह स्थगित रखा हाईकोर्टर एक जनस्वार्थ मामला दायर होता वरिष्ठ आईनजीवी सूर्यकांत पाढ़ी मामला दायर करते से दर्शाते जदि वर्तमान समय निर्वाचन हेले अधिक लोक आक्रांत हे शताधिक लोक आक्रांत हम सहित सुपर स्प्रेडर हे कहीं आप जानते यह पूर्व जी थे पिपली विधायक प्रदीप महारथी सहित कांग्रेस प्रार्थी जी बर्तमान हितर अजित मंगराज और कोरोनार मृत्यु होता है और सहित अनेक भयावह लगी रही है तेणुक वर्तमान निर्वाचन हेल्ला अधिक लोक आक्रांत हवा सहित विपद अधिक माड़ आसो से हाईकोर्ट एक जनस्वार्थ मामला दायर करते यहां स्थगित रखा अंपटे कोर्ट यहां शुणा करी भारतीय निर्वाचन आयोग को समय देखते निर्वाचन आयोग निज समय नहीं 7 तारीख दिन समय को हाईकोर्ट धार्य कर समय दी जाए कौन निष्पत्ति नौकरी भारतीय निर्वाचन आयोग कौन परिस्थिति कौन से जवाब देते से हाईकोर्ट 7 तारीख दिन समय धार्य कर निर्वाचन आयोग को सूचना देते पक्ष दाबी रख जा पक्ष जो उपस्थापन करेंगे से कौन परवर्त समय शुणा समय से कौन तर जवाब रखुंत अंपटे आप जानते जेहतु वर्तमान स्थिति बिगड़ी निर्वाचन वर्तमान न करने से आवेदन होता है और इसे राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को पक्षभुक्त करते कि पूर्व आप जानते हाईकोर्ट यह विषय की दुईट मामला दायर होती केवल पिपली उपनिर्वाचन को स्थगित रखा जेहतु आसंता 7 तारीख में कोर्ट परवर्त शुणा कोर्ट समय धार्य कर दुईट मामला दायर होता सूर्यकांत पाढ़ी को पूर्व समाजसेवी जयदेव जेना मामलार एक जनस्वार्थ मामला दायर करते तेणुक आसंता 7 तारीख दिन दुईट जाक मामलार शुणी हम और समस्त नजर रही है कोर्ट से मामला कौन शुणा करते भारतीय निर्वाचन आयोग कौन कोर्ट जवाब रखुच्छी आसंता 7 तारीख ही जमा पड़ो धन्यवाद इमरान इटली प्रतिनिधि इमरान खान तेबे जहाँ खबर रही बड़ खबर पिपिली उपनिर्वाचन हाईकोर्ट रे जो जनस्वार्थ मामला दायर होता आज शुणा हो मे 7 मामलार परवर्त शुणा धार्यपाई तारीख धार्य करछंती हाईकोर्ट।